नमस्कार, मैं रतन सेन भारती। आज हम बात करेंगे कुशवाहा समाज के 5 नेताओं के बारे में। बिहार के बारे में यह कहा जाता है कि यहाँ की जातियाँ के हिसाब से खूब मतदान होता है और राजनीतिक पार्टियाँ उसी हिसाब से टिकटों का बंटवारा भी करती हैं। ऐसे में बिहार में इन दिनों कुशवाहा को लेकर खूब चर्चा हो रही है। बता दें कि प्रदेश में कुशवाहा समाज की आबादी बिहार में लगभग 7 से 8% है। इस समाज के लोग खेती किसानी कर अपना आजीविका चलाते हैं, लेकिन वे राजनीति में भी काफ़ी जागरूक होते हैं। हमने देखा है कि साल 1990 में मंडल आयोग के बाद कुशवाहा समाज के लोग नीतीश कुमार के साथ हो लिए थे, लेकिन समय के साथ इस समाज ने राजनीति में अलग अलग भूमिका निभाई है। ऐसे में आइए जानते हैं बिहार की वर्तमान सियासत में कुशवाहा समाज के नेता क्या कर रहे हैं और किस पार्टी में कितनी हिस्सेदारी है। सबसे पहले बात नागमणि की। नागमणि बिहार की राजनीति में आज तक अगर टिके हैं तो इसमें उनके पिता जगदेव प्रसाद का सबसे बड़ा योगदान है। बता दें कि जगदेव प्रसाद आखिरी व्यक्ति की लड़ाई आखिरी समय तक लड़ते रहे। जगदेव प्रसाद के नेतृत्व में ब्राह्मणवाद का विरोध शुरू हुआ था, जिसमें कि कुशवाहा जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। कुशवाहा समाज के लोग आज अपने नेता को शहीद जगदेव के नाम से बुलाते हैं, लेकिन आज उनके बेटे नागमणि बिहार की राजनीति में कई राजनीतिक पार्टियां बदल चुके हैं। बता दें कि बीजेपी की सरकार में मंत्री रहे जदयू और राजद की सरकार में भी मंत्री रह चुके हैं। कुछ दिनों तक RLSP के साथ भी रहे, लेकिन लंबे समय तक किसी भी पार्टी के साथ नहीं रह सके। राजनीतिक जानकार तो यह भी कहते हैं कि नागमणि को खुद ही याद नहीं होगा कि वे कितनी पार्टियों के साथ जुड़े हैं और हटे हैं। यही कारण है कि इतनी बड़ी विरासत होने के बाद भी कुशवाहा समाज के बड़े नेता नहीं बन पाए। भगवान सिंह कुशवाहा शाहबाद की राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं। भगवान सिंह कुशवाहा पहली बार भाकपा माले की टिकट पर 1990 में विधायक बने थे। उसके बाद साल 1995 में समता पार्टी के टिकट पर जीतने में कामयाब रहे। उसके बाद साल 2000 में तीसरी बार जदयू के टिकट पर विधायक यानी कि विधानसभा पहुंचे, तो वहीं साल 2005 में हुए उपचुनाव में चौथी बार विधायक बनने का मौका मिला और इन्हें ग्रामीण विकास विभाग का मंत्री बनाया गया। भगवान सिंह कुशवाहा साल 2014 में राजद के टिकट पर आरा से चुनाव लड़े थे, हालांकि साल 2020 में जदयू से टिकट नहीं मिलने के कारण नाराज होकर लोजपा से चुनाव लड़े और जदयू को तीसरे स्थान पर ढकेल दिया, जिसके बाद जदयू और भगवान सिंह कुशवाहा के बीच में एक सुलह हुआ और एक बार फिर से उन्होंने जदयू की सदस्यता ले ली। बता दें कि साल 2020 में शाहबाद में आने वाले विधानसभा में जदयू एक भी सीट जीतने में कामयाब नहीं हुई थी। ऐसे में अब भगवान सिंह कुशवाहा के पार्टी यानी कि जदयू में आने के बाद से जदयू के नेताओं ने राहत की सांस ली है और खास करके ललन सिंह जो कि जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी एक अहम भूमिका रही है इसमें। अगला नेता है आलोक मेहता। आलोक मेहता को राजनीतिक विरासत के रूप में मिली। उनके पिता स्वर्गीय तुलसीदास मेहता मंत्री रह चुके हैं। आलोक मेहता ने बीटेक की पढ़ाई की, उसके बाद उनके पिता के राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने में जुट गए। आपको बता दें कि आलोक मेहता राजद के संस्थापक सदस्यों में से एक रहे हैं। वे पार्टी के कई महत्वपूर्ण पद पर रह चुके हैं, जैसे कि प्रदेश प्रधान महासचिव के पद संभाल चुके हैं। साल 2000 में कल्याणपुर विधानसभा से चुनाव लड़े, लेकिन समता पार्टी के अश्वमेघ देवी से 1840 वोटों से हार गए और इस तरह से उनके राजनीतिक जीवन की यहां से शुरुआत होती है। साल 2004 में समस्तीपुर से लोकसभा का चुनाव लड़े और समता पार्टी के ही रामचंद्र सिंह को हराने में सफल रहे और पहली बार संसद भवन पहुंचने का इन्हें मौका मिला। इसके बाद साल 2009 में नया बना उजियारपुर लोकसभा से चुनाव लड़े, लेकिन यहाँ इन्हें हार का सामना करना पड़ा। 2014 के मोदी लहर में भी इन्हें हार का सामना करना पड़ा। उसके बाद 2015 में जब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा बने तो उजियारपुर विधानसभा से आलोक मेहता को जीत मिली और यहां उन्हें सहकारिता मंत्री बनाया गया। उसके बाद साल 2020 में उन्हें फिर से जीत मिली और इस बार उन्हें मंत्री बनाया गया। इन दिनों राजद में कुशवाहा समाज के एक बड़े चेहरे के रूप में इन्हें देखा जा रहा है और उपेंद्र कुशवाहा मामले के बाद से आलोक मेहता लगातार कुशवाहा समाज को लेकर अपना बयान दे रहे हैं और RGD का पक्ष मजबूत कर रहे हैं। अगला नाम है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बीजेपी के फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं। इनका दूसरा पहचान है कि वे शकुनी चौधरी के बेटे हैं। शकुनी चौधरी 7 बार से विधायक रहे हैं और सांसद भी रहे हैं। इनकी मां तारापुर से विधायक रही है। शकुनी चौधरी लालू यादव की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। कहा जाता है कि लालू यादव सम्राट चौधरी से काफ़ी प्रभावित हुआ करते थे, जिसके बाद उन्हें मंत्री भी बनाया था। हालांकि आयु विवाद के कारण उन्हें मंत्री पद छोड़ना पड़ा।
सम्राट चौधरी 1990 में बिहार की सियासत में सक्रिय हैं। साल 1999 में बिहार सरकार में उन्हें कृषि मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2000 और 2010 में परबत्ता विधानसभा से उपचुनाव जीतने में सफल रहे। 2010 में ही उन्हें बिहार विधानसभा के विपक्ष पद के मुख्य सचेतक के रूप में उन्हें भूमिका मिली थी। उसके बाद साल 2014 में उन्हें शहरी विकास और आवास विभाग का मंत्री बनाया गया। उसके बाद 2018 में बीजेपी ने उन्हें बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया। वर्तमान में वे बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। सम्राट चौधरी एक फायर ब्रांड नेता के रूप में जाने जाते हैं और कुशवाहा समाज से आने के कारण अपने इलाके में वोटरों पर एक रसूख है, यानी कि वोटरों पर इनकी पकड़ है। कुशवाहा समाज के खास करके वोटरों पर इनकी जो है खासा पकड़ है। और दूसरा जो इनका पहचान है शकुनी चौधरी का, उससे भी जो है सम्राट चौधरी उसे भी अपनी ओर साधने में सफल रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी में कुशवाहा समाज को साधने की कोशिश जो है वो सम्राट चौधरी के हिस्से से की जा रही है। अगला नाम है उपेंद्र कुशवाहा। उपेंद्र कुशवाहा अब तक के अपने राजनीतिक सफर में कहीं स्थिर होकर किसी एक पार्टी के साथ नहीं रहे। हालांकि कुशवाहा समाज को लेकर वे मुखर होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहे हैं। बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा ने अपने राजनीतिक कैरियर की शुरुआत लोक दल के साथ शुरू की थी। लालू यादव की सत्ता की कुर्सी से बाहर करने में लवकुश की जोड़ी में कमाल दिखाया था। उपेंद्र कुशवाहा ने साल 1985 में अपनी पढ़ाई के दौरान से ही राजनीति में सक्रिय रहे। 1988 में युवा लोक दल के राज्य महासचिव उन्हें बनाया गया। वे 1993 तक इस पद पर बने रहे। इसके बाद 1994 में उन्हें समता पार्टी का महासचिव बनाया गया। उसके बाद वे बिहार की राजनीति में लोकप्रिय नेता के रूप में सामने आए। इस दौरान वे लालू यादव के काफी करीबी भी माने जाते रहे और इसी दौरान लालू यादव कांग्रेस के करीब जाने लगे और उपेंद्र कुशवाहा उनसे दूर होते रहे। उसके बाद नीतीश के साथ हो लिए, लेकिन यहाँ भी उनको बहुत लंबे समय तक मन नहीं लगा। बता दें कि कुशवाहा को सबसे ज़्यादा सफलता मिली साल 2014 में, जब वे एनडीए के साथ मिलकर लोकसभा के चुनाव में सक्रिय थे, जिसमें 3 लोकसभा सीटों पर पार्टी को जीत मिली और कुशवाहा को लगने लगा कि वे अब अपने समाज के नेता के रूप में उभर कर सामने आए हैं। लेकिन उसके बाद के चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। जानकार तो यह भी बताते हैं कि कुशवाहा का किसी भी एक पार्टी में स्थिर न रहना उनके लिए नुकसानदेह रहा है। अगर वे किसी एक पार्टी में स्थिर होकर होते तो उनके पास अपना जनाधार होता, लेकिन लगातार पार्टी बदलना उनके लिए घातक साध्य हुआ। लेकिन आने वाले दिनों में यह देखना है कि कुशवाहा को उनके लिए समाज के लिए कितना तरजीह दे रहे हैं। तो ये थे वो कुशवाहा के नेता जो कि बिहार की राजनीतिक पार्टियों में सक्रिय हैं और अपने समाज को लेकर, कुशवाहा जाति को लेकर लगातार मुखर होकर बोल रहे हैं। इन सब को लेकर जो शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा ने की जदयू से, उसके बाद लगातार आलोक मेहता, सम्राट चौधरी लगातार अपने बयानों से जो है कुशवाहा समाज की वोट को जो है वो साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे बिहार के 5 कुशवाहा नेता जो कि अपने समाज को लेकर अपनी पार्टियों में मुखर होकर बोल रहे हैं। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसे इन खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।